दोस्तों UFC 303 में एलेक्स परेरा ज़ीरी प्रोहास्का को बीट कर चुके हैं एंड उसके बाद बहुत सारे रूमर्स उठ रहे थे कि ज़ीरी प्रोहास्का को बीट करने के बाद एलेक्स परेरा फाइट कर सकते हैं जॉन जोन के साथ, मागोमेड एंग्लेव के साथ। इसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों आफ्टर डिफीटेड बाय एलेक्स परेरा ज़ीरी प्रोहास्का ने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि मुझे इवॉल्व होना पड़ेगा एंड यदि मैं इवॉल्व नहीं होता तो मुझे फाइट करना छोड़ना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे ज़ीरी के लिए बहुत कंसर्नफुल हूँ। ने बैक टू बैक फाइट लड़ी है UFC 300 एंड UFC 303 में एंड उन्होंने काफी अच्छा खासा डैमेज लिया है दोनों ही फाइटों में। तो मुझे ये लगता है कि ज़ीरी प्रोहास्का को एक साल का गैप लेना चाहिए फाइटिंग करियर से एंड उसके बाद फाइट में दोबारा आना चाहिए। दोस्तों एलेक्स परेरा की जीत के बाद मागोमेड एंग्लेव पे एलेक्स परेरा को लेकर बहुत सारे ट्वीट किए। उन्होंने एलेक्स परेरा को कांग्रेचुलेट किया एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने डेना व्हाइट को भी टैग किया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रेसलिंग को एलेक्स के साथ फाइट में यूज नहीं करूंगा, मैं अपनी स्ट्राइकिंग से ही एलेक्स परेरा को हरा सकता हूं। फाइट में मैं एलेक्स परेरा की चिन टेस्ट करूंगा। एंग्लेव ने ये लिखा कि मैं फाइट कर चुका हूं लगभग सभी फाइटर से, उन्हें टेक डाउन कर चुका हूं एंड अब बारी है एलेक्स परेरा की एंड लाइट हैवीवेट डिवीजन का वर्ल्ड में मैं नंबर वन बेस्ट फाइटर हूं। तो मागोमेड एंग्लेव ने एक और ट्वीट किया कल। उन्होंने ये लिखा कि तुम मुझ पे बिलीव करो कि मैं एलेक्स परेरा को फाइट में हराने वाला हूं एंड उनकी चिन ऑलरेडी जा चुकी है। एंग्लेव ने एक और ट्वीट किया, एंग्लेव वर्सेस परेरा के फैंटेसी आउट्स भी आ चुके हैं, उसमें एंग्लेव को काफी अच्छा खासा पॉइंट्स मिला है एंड उसको ट्वीट करते हुए एंग्लेव ने लिखा कि अब लोगों को पता है कि इस फाइट को एंग्लेव जीतने वाला है ना कि एलेक्स परेरा। मागोमेड एंग्लेव ने यह भी कहा कि सभी को पता है कि मागोमेड एंग्लेव फाइट को जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं जीरो टेक डाउन करूंगा एंड अपनी स्ट्राइकिंग से ही एलेक्स परेरा को धराशायी कर दूंगा। दोस्तों यहां पे ये तो कंफर्म है कि मागोमेड एंग्लेव के साथ ही एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट होने वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड, मागोमेड एंग्लेव ने कहा कि मैं इस फाइट में जरा भी टेक डाउन नहीं लूंगा, रेसलिंग नहीं करूंगा, सिर्फ स्ट्राइकिंग से ही इस फाइट में एलेक्स परेरा को बीट कर दूंगा। दोस्तों आई थिंक ये काफी बचकाना स्टेटमेंट है मागोमेड एंग्लेव की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एलेक्स परेरा काफी हार्ड हिटर फाइटर है। ये तुम उसके साथ स्ट्राइकिंग में ही फाइट करोगे तो तुम नॉकआउट हो सकते हो। एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने का सपना तो तुम भूल जाओ, तुम्हें अपनी रेसलिंग यूज करनी ही पड़ेगी एलेक्स परेरा को बीट करने के लिए। बट एंग्लेव के बारे में एलेक्स परेरा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं किसी भी फाइटर से फाइट करने के लिए तैयार हूं। टोटली डिपेंड ऑन UFC डेना व्हाइट कि वो मेरे साथ फाइट करने के लिए किस फाइटर को पिक करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बात करते हैं इयान गैरी के बारे में। इयान गैरी ने साफकात राकमानो को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि मैं साफकात राकमानो का जो जीरो वाला अनडिफीटेड रिकॉर्ड है उसे लेने के लिए आ रहा हूं। इयान गैरी ने अपने आप को एलेक्स परेरा से भी कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी काफ किक है वो एलेक्स परेरा की बिल्कुल सिमिलर है। दोस्तों व्हाट अ जोक, यहां पे जोक थोड़ी चल रहा है। उन्होंने जो इतनी बोरिंग परफॉर्मेंस दी है उसके बाद तो उनको अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना बनता ही नहीं। आई थिंक यदि साफकात राकमानो की इयान गैरी से फाइट होती है तो नो डाउट साफकात राकमानो डोमिनेटली इस फाइट को जीतेंगे, यानी बहुत बुरी तरह से इयान गैरी इस फाइट में बीट भी होंगे। तो आज की फाइटिंग वीडियो अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट UFC रिलेटेड वीडियोस में। क्या इस मंथ हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे? सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत।